राजा के बाप का राज है। मैं हो गया नाराज। तुम लोग सारा इतनी गंदी गाड़ी कौन चलाता है? राजा को साले को जिसने जो दे दी वो रख ली उसने। यार आप चलो अभी इस वक्त यार बेहाल नहीं बेशरम और जैक। अबे भाई रिएक्शन है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑल द वे फ्रॉम उदयपुर नहीं सॉरी ऑल द वे फ्रॉम जोधपुर। भाई ये तो उल्टे ही आ गए। तो भाई आज हम लोग जोधपुर के अंदर है अपनी जिमनी मतलब मॉडिफाइड जिमनी या मैंने और दूसरी देखी नहीं। एक जिमनी हमने रास्ते में देखी थी पाली में, वैसे नहीं देखी। आज का वैसे गुड मॉर्निंग हो नहीं रही है, गुड इवनिंग हो रही है, गुड इवनिंग सभी भाइयों को। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले उम्मेद भवन और जोधपुर में जो भी कुछ करने का है वो सब आपको आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। भाई फिलहाल दो मिनट रुके हैं एक बार बस यहाँ पर सेट करके। थोड़ा ना ऑफ रोड कर लिया था उस चक्कर में पूरी की पूरी गंदी हो गई गाड़ी, यहाँ तक सब मिट्टी हो गई। बाकी भाई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई ट्रिप में, मजा आ रहा सबको, कंफर्टेबल है वो पीछे दोनों, मस्त एकदम बढ़िया एकदम परफेक्ट गुड वन नाइस वन। अभी मिलाते हैं हमारे तीसरे आज मेरी तुम्हारी टी शर्ट भी बढ़िया लग रही है, पिंक पिंक लेटरिंग लगी हुई पीछे गाड़ी पे टायर की वजह से लग जाती है। सर इतनी गंदी गाड़ी कौन चलाता है? सब लोग तो कर रहे हैं। मैंने कहा था पानी में निकालने को। राजस्थान में नई बियर आई है KALS, पहले थंडरबोल्ट। अबे मत दिखा दियो तू, हट। हाउ डू यू फील इन जोधपुर? कैसा लग रहा है जोधपुर में घूमने? शिट मैन, आप और आपका चश्मा। भाई पहले चश्मा मैंने निकाला था गर्मी दिख रहा है वो तुम लोग बाद में निकाल रहा छोटा है यार तुम लोगों को दिख रहा। जोधपुर के बारे में जो हम सुन रहे थे ना कि सुंदर सिटी है, साफ सिटी है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वैसे ही लगा। वेदर अच्छा है नो डाउट। और होटल्स तो हमें ऐसे मिल रहे हैं ना बिकॉज ऑफ प्रीति एंड जे, मतलब वही से एनर्जी आ रही है यू नो। रूम में आप बढ़िया से रिफ्रेश फ्रेश जो भी जाते हो। भाई गर्मी लग रही है तो मैं तो आज मतलब फुल यू नो बियर। चीयर्स गाइस। चीयर्स गाइस। चलते भाई अभी पहला हमारा स्टॉप होएगा उम्मेद भवन। उम्मेद भवन चल के तुमको दिखाते हैं जितना उम्मेद पैलेस भवन से थोड़ा सस्ता दिखता है उम्मेद पैलेस। अंकल हो गए महाराज। पकड़ो मैं हो गया नाराज। तुम लोग फिल्म देखने मेरी हाँ नहीं तो इतनी जबरदस्त ऑफ रोड कर रहे हैं गाड़ी को। ये बेस्ती थी कि कॉम्प्लीमेंट था? ये बेस्ती थी कॉम्प्लीमेंट था भी समझे जो आपको समझे। चलो चलो कोई बात नहीं, अरे आप चलो अभी इस वक्त यार बेहाल नहीं। पता नहीं ये गलत बात नहीं है, बोलते हैं विश्व मेरा पति होता है। क्यों बोलो झूठ? बोलो हमारे गांव में ये नहीं सीखा। गाय क्या करती है? घास खाती है। और क्या करती है? नाइस। और तुम क्या खाती हो? हम खाना खाते हैं। और दूसरों क्या खाती हो? गोबर। ये विश्व अभिनेता। सीधा सीधा प्रीति की सैलरी आई है। प्रीति के पहले लो गाइस। ये है हमारे राजा का पैलेस। भाई साहब ऐसी दिखती थी रॉयल फैमिली।
यहाँ हम लोग खाना खाते थे राजा महाराजा, तब बना रखे हैं भाई ये ट्रॉफीज़ जो कहीं उस वक्त उस समय के खेल खेला जाते थे, देख पोलो पोलो खेलते थे कभी, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ पोलो, देखा कारखाना, आई एम स्मार्ट मैन, थैंक यू सो मच। पोलो इनका मतलब रईसों का खेल होता, पता तेरे को रईसों का। हमारे देश के राजा अपने आदेश, अपने निर्णय, अपने फैसले, ये एक अपने आप में राजाओं की कोर्ट हुआ करती थी ना। राजस्थान में पानी ढूंढते हुए हम गुड़गांव के किले में हैं। गुड़गांव में तो किला है ही नहीं कोई। राजा भी कहते खुश होता होगा ना कि लोग मेरे को देखने आते हैं, पैसा देके। राजा थोड़ी आ रहे हैं, मतलब राजा को थोड़ी देख रहे हैं हम। हाँ मतलब उसके चीजों को देखते हैं। आ गई, कौन आ गई? ग्रुप आ गई। ओके गाइस, फोटोशूट के बाद मिलते हैं। दे दे। मम्मी रखवाली कर रही है पापा की। रेडी क्या हवा चल रही है भाई, बोल चले फिर नेचुरल एयर में, मतलब अगर नहीं आ जाए तो क्या चीज़ है यार। तो गाइस अब इसके बाद अब दिखाते हैं भाई राजा की विंटेज कार कलेक्शन। राजा क्या जिमनी से अच्छी गाड़ी रखता था? नहीं, राजा पे पैसा ही नहीं था इतना, जिमनी जितना नहीं है। राजा को साले को जिसने जो दे दी वो रख ली उसने। ये राजा की पहली गाड़ी जो दिखी नहीं थी यार, शीशा गंदा है यार, वो रोल्स रॉयस था, नंबर RJQ। पहली रोल्स रॉयस है, बाकी दिखाते हैं, बाकी का नाम मेरे को ही नहीं पता होगा। अच्छा रोल्स रॉयस फैंटम 2। ये रोल्स रॉयस फैंटम 1, बड़ा शौकीन था यार राजा तो, पहले फैंटम 1 ली, फिर फैंटम 2 ली, फिर पैकार्ड ली, ये क्या पता नहीं। ओ भाई साहब, फिर ली कैडिलैक। शिट्स मैन, अमीर राजा, जोधपुर नंबर 15। अगला नंबर RJQ 548। राजा से पूछो कितने का देगा नंबर, अपनी पे भी चढ़ा नहीं अभी तक। ये आ गई नॉर्मल कार मर्सिडीज। राजा से एक VIP नंबर ले लेते हैं, RRR1 या फिर RJQ 534, अपनी पे भी नहीं चढ़ा अभी तक। राजा के बाप का राज है, सर अथॉरिटी में जाओ ले ले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, अथॉरिटी में जा, पैसे खर्च कर राजा से ऊपर, और ले राजा के ऊपर ऐसे हमारे नंबर के ऊपर। क्यों भाई, और यहाँ राजा की एक और गाड़ी। चलो भाई चल दिया अपना झोला उठा के, छोटा झोला उठा के, अभी निकल रहे हैं दूसरी जगह, सेकंड नेक्स्ट प्लेस। ओए होए क्या फोल आया, वहीं जा रहा हूँ मैं, बुट्टा मिल जाएगा वहाँ बाहर रहने पर, यहाँ रहो मेरे सामने। और कोई मस्त जगह यार ये, फन के लिए सही में लेक अच्छी है। गाइज मेरे सामने का व्यू देखोगे, देखोगे सामने का व्यू दिखा दूँ गाइज को, पक्का आप इजाज़त दोगे तो ही दिखाऊंगा। मैं तो सोने जा रहा हूँ, इन 3 2। सारे के सारे फ़ोन में लगे हुए हैं, आज का यूथ ही खराब है हमारा। ये नहीं कि मौसम का मज़ा लिया जाए, जगह को देखा जाए। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी प्यारी आई है।
प्रीति कर रही है क्रोकोडाइल। खेलने को खिलौना मिल गया दोनों को। ये नहीं, ये नहीं। लो भाई हो गया सनसेट भी, चलते हैं अब यहाँ से गाड़ी लेके दूसरी जगह तुमको दिखाते हैं। अच्छी बेचारी गिर गई तो यहाँ बोटिंग भी होती है वैसे, अगर कोई भाई थोड़ा रोमांटिक टाइप्स यू नो बोटिंग कर सकता भाई। यहाँ ड्रोन अलाउड नहीं है देख रहा सामने, इसके चक्कर में ड्रोन ना कर डिटेक्ट हो जाता है बेसिकली। जगह बहुत अच्छी है भाई, कुछ भी नहीं, बस काम डाउन। हे बो ब्रो, ब्रो का अर्थ हुआ तो बो हो जाएगा।